रूपांतरण। एक दिन यीशु हर अपन तीन जन चेला मनला पतरस याकूब और यूहन्ना ला अपन संग मा लीस। ई यूहन्ना नाम के एक जन चेला उ मनसे निये जोन हर यीशु ला बत्तीसमा दे रही। ओ मन प्रार्थना करे बर एक ठन ऊंचा पहाड़ के ऊपर गिन। जब यीशु प्रार्थना करत रहिस तो ओकर चेहरा सूरज के जैसन उज्जवल होगिस और ओकर कपड़ा अंजोर के जैसन सफेद होगिस, जैसन पृथ्वी मा कोनो नी कर सकें ओकर ले घोले बढ़ के सफेद। तहां मूसा और एलिया भविष्यवक्ता प्रगट होइन। ई मन से ई पृथ्वी मा ई समय ले सैकड़ों बछर पहले रहे करत रहिन। ओ मन यीशु ले ओकर मृत्यु के विषय मा गोइठ करिन, काबर की उ तुरतेच यरूशलेम मा मर जाही। जब मूसा और एलिया यीशु ले गोठियात रहिन तहां पतरस हर यीशु ले कहिस, हमर बर इठी रहे बर बढ़िया है, हमन तीन ठन झाला मल्ला बनाबो, एक ठन तोर बर, एक ठन मूसा बर और एक ठन एलिया बर। लेकिन पतरस नी जानत रहिस कि ओहर का कहत है। जब पतरस गोठियात रहिस तो एक ठन चमकीला बादर तरी आके ओमन के ऊपर छागी। फेन ओमन हर बादर माले एक ठन आवाज ला आत सुनिन। ओहर कहिस, इहर मोर बेटा ए जेकर ले मैं माया करत हूँ, मैं ओकर ले खुश हूँ, ओकर सुनो। ओमन तीनों चेला मन डर गिन और भुइया मा गिर पड़ी। तहां यीशु हर ओमन ला छुईस और कहिस, नी डरा, उठ जाव। जब ओमन हर चारों अंग देखिन तो यीशु ला छोड़ अपन संगमा और कोनो ला नी देखिन। यीशु और ओमन तीनों चेला मन उ पहाड़ ले वापस तरीला उतर आइन। तहां यीशु हर ओमन ले कहिस, अभी जोन इठी होइस ओकर चर्चा कोनो ले नी करी ह, मैं तुरतेच मर जहां और फेन जीवित हो जहां, ओकर बाद तुमन मन से मल्ला बता सकत हो। मती अध्याय 17:1-9, मरकुस अध्याय 9:2-8, लुका अध्याय 9:28-36 ले बाइबिल के एक ठन कथा।